का इतना बड़ा अवार्ड, 22 years का कंप्लीशन, व्हाट डू यू हैव टू से? सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ बिनाइफा कोहली, मैं भाभी जी घर पे है और हप्पू की उल्टन पलटन की प्रोड्यूसर हूँ। सो फ्रॉम एडिट टू वी वॉन्ट टू विश अनुरंजन जी और शशि रंजन जी को 22वें साल की ITA अवार्ड्स की बहुत 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 शुभकामनाएं। इनका अवार्ड एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस रादर, और ये एक ही अवार्ड है जिसमें मेरे पति आते हैं। वो शाय है वैसे, वहीं खड़े हैं, आके बोलेंगे भी नहीं, बट वो एक ही अवार्ड है जिसमें वो जाते हैं और ये अवार्ड को हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। मैम, रिसेंटली हप्पू की उल्टन पलटन हैज आल्सो कंप्लीटेड 900 एपिसोड्स, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? सो हप्पू की उल्टन पलटन हैज कंप्लीटेड 900 एंड इन 2 months भाभी जी विल कंप्लीट 2000। 8 साल ख़त्म हो जाएंगे उनके, और हप्पू की उल्टन पलटन के भी 3 साल ख़त्म हो गए। अने सब लोगों ने कोरोना में बहुत बहुत मेहनत की सबको हंसाने के लिए, घर पे मेरी यूनिट तो 1 साल तक सेट पे ही रही थी, तो ये सब उनकी मेहनत का फल है एंड वी आर सो हैप्पी कि लोग उससे इतना खुश है। वी लव पैन एशियन क्यूजीन एंड आई बीन टू गोमा बिफोर एंड इट्स फैबुलस। सेलिब्रेशन 2000 एपिसोड्स की तो हमारा मज़ेदार प्रोग्राम है, तो सेलिब्रेशन भी बहुत मज़ेदार होगी और एपिसोड भी बहुत मज़ेदार होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, खास करके जो हमें इतना सराहते हैं और हमको इतना हौसला अफजाई हमारी करते हैं। थैंक यू सो मच, और आप सबको भी थैंक यू सो मच, आपने मुझे मालूम है कोरोना में कैसे कैसे स्ट्रगल किया है। थैंक यू। तो इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई, 22वां साल है जैसे कि आप लोग जानते हैं, और अनुरंजन और शशि रंजन जी को बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। 22वां वर्ष है और 11 दिसंबर को हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैडम जी, जी सवाल बताइए क्या है एग्जैक्टली, मतलब एक लाइन में सवाल। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया कोलैबोरेशन है, और स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए टेलीविज़न एक बहुत अच्छा माध्यम है, इसके ज़रिए ही हमारा काम बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि आइडियली स्टैंड अप कॉमेडियंस ओरिजिनली तो इंटरनेट तक सीमित रहते हैं, पर बहुत थोड़े कॉमेडियन हैं जिनका काम टेलीविज़न के द्वारा भी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुँच पाता है। तो ये ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुँचने का एक माध्यम है, और उस ज़्यादा बड़ी ऑडियंस के लिए जो बनाते हैं कार्यक्रम, ये उनका सेलिब्रेशन है, तो उसमें मैं आया हूँ। आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। हाय, हेलो एवरीवन, दीज आर द 22 ग्लोरियस इयर्स ऑफ ITA, सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड स्टिल गोइंग स्ट्रांग, वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स इन द इंडस्ट्री, व्हाट डू यू हैव टू से? Always a pleasure to be associated with ITA. I believe I received a message couple of days back that I have been nominated, so it is fantastic to be here, and I wish them all the best. It's one of the most reputed brand of Indian television awards. So, and as I say, I'm very, 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 very honored to be a part of it and associated with it. So, any good memory that you have, looking back now with ITA? I remember when we were really young, we used to see the ITA ka jo gana hai, it used to come on television whenever ITA used to be aired on television, and I won the award in
2021. I think it was the 20th year. So it was also very special. So I was very happy to be a part of it. Yeah. कुछ नहीं तारक मेहता के लिए क्या कहेंगे तारक तुम्हारी जगह पे घुस जाते हो ना ठीक है खाना खाए तुमने 10 बज गए चलो Well, I think I've been associated with these award functions since a very long time, since my journey started. I think it's been 10 years. I was first performed at IT only. So it's a very, very, big opportunity for me again, you know, to come to the stage again and being a part of the celebration. What would you like to add? I've come for the first time. So yeah, I'm really happy and I'll congratulate. तो निमृत के लिए क्या कहना चाहेंगे इस बार बिग बॉस 16 में निमृत भी है और साथ ही हम देख रहे हैं कि अब तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना प्यार लाइक कन्फेस कर रहे हैं सॉरी क्या कन्फेस कर रहे हैं लव लव कौन कन्फेस कर रहा है अब तो निमृत के लिए Yeah, I've been following because there's a big hype about Big Boss. So I've been following Big Boss since like it's been like 20 days. So Nimrit is doing a very, very good job, and Abdu obviously he's very cute, very fun-loving, and he's a charming soul. So I don't think so. I won't comment on what their love is brewing or not because what I've seen right now, so they are like healthy friends. Okay, yeah. जो ये इनका बॉन्ड है वो माहिर भी पसंद कर रहे हैं जो ये निमृत के बॉयफ्रेंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इनके बॉन्ड को इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे बट आई थिंक दैट यू शुड आस्क माहिर माहिर लाइक्स इट दैट्स लाइक गुड फॉर हिम ऑब्वियसली सर इसके अलावा कोई अदर कंटेस्टिंग लविंग आई लव अर्चना You know, I've been following now and she's doing a lovely job. She's like, you know, pain in everyone's neck. And, you know, that's how you get to be. Once you're in Big Boss now, you don't know. The situation is so heavy. Everyone's so heavy, you know. Nobody knows, like, how they will react to the situation. The anger, the emotions, the hatred, everything comes up naturally, you know. So I'm just loving how she's taking classes of everyone in the house. I think I'm a little better version of Ankit, I would say. I am also an introvert, but obviously if I'll get an opportunity, I got an opportunity last year, but for, unfortunately I had to do Tere Bina Jiya Jaana for ZTV, so I could not do Big Boss. But what if, obviously I don't know what I'll do inside because it's a very different kind of an atmosphere. That house is very scary. So this year, if you get chance for a wildcard entry, would you like to? Why not? So whom do you think the winner of Big Boss 16? Well, I think it's too soon to decide. It's just started. It's been like, I think, 50 days probably, 50 or 60 days. So it's too soon to decide because everyone's playing well. But, you know, as you said that there are going to be more wildcard entries. So you might not know, like, one of them become or one of the current present players who are there inside, they might win up the game. But you don't know right now, you know, because everyone's playing equal. Who you see in top 5? Who do I see in top 5? I feel Archana and then I think Abdu obviously and Shiv, Nimrit and Priyanka. Okay,
Any upcoming project of yours? Well, I've been approached by a lot of, you know, the web people. So I'm trying my luck over there in the web series. Let's see, like, if something grows up, I'll definitely let you know. Thank you so much. Thank you. Lovely talking to you all. Hi. 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 पानी बॉटल इधर रख देती हूँ। मैम राइट में है। Well, I would like to say that we've been part of the growth of ITA. I think almost sare hi humne unke award shows attend kiye hain. And Anu and Shashi are old friends, so I'm very happy to be here. And I think unke 50th pe bhi hum yahan honge. Nahi, usse pehle to silver aayega. Silver and then golden. We'll be around hopefully. So congratulations. Aap logon ka innovative idea tha and I think you are the best. All the best to you all. Thank you. Congratulations. Congratulations ही बोलना है। Yeah, of course, very big congratulations. और in fact हमारी जो association है with ITA अरसों पहले शुरुआत हुई थी when I did their first show on stage and it was a hilarious performance. और अभी वो actually viral हुआ है with you know with Sumit Raghavan and Dilip Joshi. And all the big comedians of that time, and I was just seeing it all over again on social media, and I was like, my God, ITA was, and we really go back so many years. I see, 18 साल में मैंने एक भी अवार्ड तो जीता नहीं है, even in the reality shows. So मेरा award nights के साथ थोड़ा 36 का आंकड़ा ही है, but yeah, I अभी इनके दामाद आदित्य सील के साथ मैंने एक मूवी की थी रॉकेट गैंग सो इट्स जस्ट दैट इट्स नाउ बिकम अ फैमिली दे ऑल वेरी स्वीट पीपल सो आई हैव जस्ट इन सपोर्ट ऑफ यू नो शशि एंड अनुरंजन जी एंड दे हैव बीन रियली स्वीट ओवर अ पीरियड पहले उनका एक मैगजीन आता था या सो तब वी यूज टू फीचर इन देम एंड वी डिड नच बलिए एंड बिग बॉस एंड ऑल दी स्टफ बट हाँ मैं स्टेज पर अवार्ड लेने कभी नहीं गया नहीं मैं भी अवार्ड लेने नहीं गई थी आई वी डिड एन एंटायर परफॉर्मेंस सो लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज इनफैक्ट शशि जी बीच में उन्होंने एक सीरियल भी प्रोड्यूस की थी एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट सो वे वेरी क्लोजली एसोसिएट विद देम थैंक यू सो मैम एंड सर हाउ मच आर यू फॉलोइंग बिग बॉस 16 बिकॉज़ आई सी इट आई सी कलर्स ऑन इंस्टाग्राम सो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट it's the biggest reality show of India and once in a lifetime experience har actor ko karna chahiye big boss mein jaake at least hamare time pe
स्क्रिप्टेड नहीं था, हम इंसान को देखने के लिए तरस जाते थे. अभी तो आए दिन कोई भी एंटर हो जाता है, सो इट्स नॉट द नॉवेल्टी ऑफ सीइंग अनदर ह्यूमन बीइंग. बट आई थिंक मुझे लगता है बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स अभी बहुत ही शातिर हो गए, चालाक बॉस, बहुत चालाक हो गए, चालाक. और माय फेवरेट विल ऑलवेज बी साजिद खान, बिकॉज़ आई लव द काइंड ऑफ सिनेमा ही मेक्स. प्लस मैं फराह खान के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड था, मैं उनको भी जानता हूँ. बट या ही इज प्लेइंग इट, जब तक उनकी उंगली ना करो, जितना मुझे मैंने देखा है ऑन इंस्टाग्राम. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने हमारा भी बिग बॉस नहीं देखा था, सो आई गेट वेरी स्केर्ड सीइंग माई सेल्फ ऑन टेलीविजन. बट हाँ, मेरे हिसाब से साजिद खान इज प्लेइंग वेरी वेल, सो आई जस्ट होप ही डजंट लूज हिज कूल, बिकॉज उंगली करने वाले बहुत है और वही गेम है. How much can that, he tolerate? That is the game, yeah. That's so Big Boss is. He has to tolerate that. Ma'am, what about also, you? Also, contestant who likes who are bahut zyada pasand kar raha hai game sari? Nobody. Top 5 mein kise dekhte ho aap? I don't know anybody. I don't watch it. I don't know anybody. मैं किसी को भी नहीं जानती, सिर्फ साजिद खान को जानती हूँ. आई हैव नो, आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन फैक्ट इज मैं किसी को नहीं जानती हूँ और मुझे उनके बारे में कुछ जानना ही नहीं है. उनकी निजी ज़िंदगी कैसी है, वो पर्सनली कैसे रिएक्ट करते हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. हाँ, अगर ये लोग मैं पहले से जानती थी एंड देन दे वर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, आई वुड सी इट. बट आई वुड बी ब्रूटली ऑनेस्ट, मुझे इनमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं है. आई डोंट नो व्हाई, दे माइट बी ग्रेट पीपल बट आई डोंट लाइक देम. She's there? Yeah. I know. I've heard about her. No, I don't know. Because मैं देखती नहीं हूँ. So she is an interesting character. I mean, हम दोनों के इस टेबल के नीचे चलो. ओह, अगर चांस मिलता बख्तियार को जाने के लिए तब तो मैं ज़रूर देखती, क्योंकि तब इंटरेस्टिंग होता. अगर यू नो लाइक अच्छे लोग आप ले, जो जिन्हें गेम के बारे में पता है, जो गेम खेलेंगे, सिर्फ अपनी होशियारी गिरी नहीं दिखाएंगे, देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग. गेम हैपेंस यू नो व्हेन, जब एक का मुकाबला दूसरे के साथ होता है तो और तीन जुड़ जाते हैं. या दैट इज़ नॉट द गेम. द गेम इज़ इधर 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 चारों को भिड़ा दो फिर. Yeah, that's the plot. Yeah, that's if he went in, I would watch it. And if I went in, I'm sure he would watch it every day. Because, oh my God, वापस तनाज ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया. Yeah, but we're rooting for Sajid for sure. Lastly, ma'am and sir, IT is collaborating with Goma, which is a Pan-Asian cuisine, and you are our guest. So, how much you are going to enjoy this place? We love Pan-Asian. Yeah, we love the food. But this is the first time we'll be coming here. We've never come here to this place. I think we both are quite excited to visit Goma, and we will enjoy the food because we love Pan Asian food. And we're gonna taste everything. उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसा था. Thank you so much. Thank you guys. Thanks. Come. As I always say, I hardly go out, so this is a great place to again meet all my colleagues, meet all of you, and it's a good thing that all the actors are meeting up before we actually receive the awards and whatever, nominations and all. And I'm glad they're throwing this party for us to all meet up, gel, talk, discuss things. Yeah, also this time, Aida has collaborated with Goma Play, so what do you think?
Oh, it's a lovely place. You have great food. I've been coming here very often. So I'm glad that they've collaborated over here, and it's an amazing hotel. You get very good restaurants here, so it's good. I'm feeling sad. 100 episodes khatam hona hai, lekin baatcheet bhi chal rahi hai, thodi extension ki hoga nahi hoga, all these things are going on. Very happy that people are loving the show, and there are a lot of people who are messaging me saying ki humne suna khatam ho raha hai, kyu main aur koi show nahi dekhungi agar aap nahi aaoge to, ye wo, you know, those kind of things. So I'm overwhelmed. I'm generally overwhelmed with all the comments. Well, Bigg Boss is baar kitna aap follow kar rahe ho? Bilkul nahi kar pa rahi hu. बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ. अब मैं खुद का शो देखने में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. सो नॉट एट ऑल. या देर आर कपल इन द पाइपलाइन जनवरी में. जनवरी ऑनवर्ड्स कुछ है. इफ पिशाचिनी इज एक्सटेंडिंग देन आई हैव टू मैनेज दैट, बट लेट एवरीथिंग कम ऑन द डॉटेड लाइन एंड देन आई अनाउंस. आई डोंट नो हर पर्सनली, बट आई विश ऑल द लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स. Thank you. Yeah. Let me go, let me go. थैंक यू सो मच. आप आइटा के बारे में क्या ही बोले. 22 साल, मतलब बेमिसाल 22 साल. तो आई एम ग्लैड कि मैं इसका इसका हिस्सा हूँ, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेट शशि रंजन एंड अनुरंजन मैम को. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Best wishes to Anuji, Shashi ji, and ITA has been a part of all our lives. And we respect them both, and their effort has actually last year jab ITA ka award lockdown ke baad bade, you know, saalon ke baad, do saalon ke baad hua, and the razzmatazz was back, and for that I thanked Anuji personally as well, and I wish them all the best. Ye 22 saal bar 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 aate hain ITA ki lifespan. Now, is there any of your projects which are going to come, which you would like to share with the audience? Yes, there is something coming, but I'll have to wait for the platform to announce it first. आई एम रियली सॉरी, मैं फॉलो तो नहीं कर पा रहा हूँ. यार वो घर में जाना रहना बड़ा मुश्किल काम है. आई विश देम ऑल द बेस्ट. कैसे कर लेते हैं लोग मुझे समझ नहीं आता. टेक्स अ लॉट टू बी इन दैट एनवायरमेंट. हम तो आसानी से, हमें तो क्या है, टेलीविजन चलाना है, देख लेना है, बट इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर टू स्टे इन साइड द हाउस. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ देम. थैंक यू. Hi. I'm glad this is my first appearance at the ITA. I'm directly running from our set. We were shooting a very interesting sequence, so yeah. I'm glad to be here. शादी शो को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है. हाल ही में नंबर 1 पे भी था. क्या कुछ कहना चाहोगे लोगों का, इतना प्यार एंड इतने कमेंट्स.
वेरी ग्लैड, बहुत खुशी मिलती है, इतना प्यार इतने छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में, इतना अप्रिसिएशन और इतना रिकग्निशन मिला है शो को, हर किरदार को, मेरे किरदार को. तो डेफिनेटली मतलब बहुत ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग है एंड इट्स ग्रेट टू यू नो दीज स्मॉल लिटल थिंग्स आर अ सेंस ऑफ अचीवमेंट वेयर बींग हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल यू नो. तो अच्छा लग रहा है डेफिनेटली. इट इज़ अमेजिंग एक्चुअली, वेरी ओवरवेलमिंग रिएक्शंस समटाइम्स. अभी रिसेंटली आई वाज कमिंग आउट ऑफ अ पार्लर एंड यू नो वन आंटी वाज क्राइंग एंड शी जस्ट हग्ड मी एंड शी केम रनिंग एंड शी लाइक बेटा कभी खुद को अकेला मत समझना, हम है लाइक सो स्वीट. फिर उनकी डॉटर आई एंड शी मेड हर अंडरस्टैंड यू नो एंड शी न्यू, शी इज लाइक आई नो वो एक्टर है, आई नो बट बेटा तू अकेले मत समझना खुद को बिकॉज आई नो यू नो मेरे पेरेंट्स भी बाहर रहते हैं एंड आई एम यूजली अलोन. सो या सो दैट्स रियली स्वीट यू नो, लॉट ऑफ पीपल हु आर अवेयर इट्स एक्टिंग एंड इट्स एवरीथिंग बट फिर भी इतना प्यार देते हैं, इतना रेजोनेट करते हैं, रिलेट करते हैं किरदारों से बिकॉज आई थिंक ऑल्सो बिकॉज वी आर एवरी डे ऑन द स्क्रीन यू नो. या यस, I think she's a very strong contender and I think the whole group, I like the whole group and I started watching because of Sumbul and Nimrit because you know we've worked a little bit together. Sumbul ke saath Ravi Vavit Star Parivar I've done and Nimrit has been part of the same production house Cockroach and Chaika that I'm working for. So I've met both the girls. Both the girls are very strong personally and I wish them all the best and they're playing a good game actually. Individual, do alag journeys dikh rahi hain dono ki. So it's nice. Well, Sumbul ke liye kya kehna chahoge? Jis tarike se star parivar mein Sumbul ka ek energy tha aur ab Big Boss ke ghar mein kahin na kahin khoya hua pan lag raha hai. Saath hi unke dad bhi bol rahe hain ki please Sumbul ko vote na karo. I would really request, you know, sometimes क्या होता है parents parents restrict कर देते हैं बच्चों को, worry करते हैं, not because anything else, but worry करते हैं. तो I'm sure उनके father worry कर रहे हैं too much for the kid. जैसे I understand जब मैं पहली बार college के बाद मुंबई schooling के बाद मुंबई आई थी college करने, तो मेरे parents भी worried थे and they used to call me everywhere. He poor guy, he can't call ना, वो बार बार तो फ़ोन नहीं कर सकते सुम्बुल को एंड ही इज़ वॉचिंग हर डू वॉट ही माइट थिंक इज़ नॉट राइट राइट. सो वो कर रहे बट वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस निकल के आ रहे हैं. तो आई थिंक ही शुड टेक अ बैक सीट, लेट हर प्ले हर गेम एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. वी हैव सीन इन रविवार विद शाह परिवार यू नो, उनका एक खुद का एक तरीका है अपने फेलियर से भी डील करने का और अपनी विन्स को भी हाईलाइट करने का. सो आई थिंक इफ यू लेट हर बी शी विल मेक फ्रेंड्स, शी विल प्ले हर गेम बट लेट हर बी. वैसे क्या देखने मिलेगा ये तो जानने के लिए देखते रहिए गुमे किसी के प्यार में. देयर आई कैन गिव अप गिव ऑन. या थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच, बाय बाय. I'm good. How are you? Ma'am, you can see I'm going to Twitter for a friend. I'm going to be a little sad.